तो उसमें बात की गई है किसके बारे में उसमें बात की गई है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी और वो हाई पावर्ड कमेटी जो है वो क्या करेगी बेसिकली वो हाई पावर्ड कमेटी जो है फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंज को लेके होगी अब जान लेते हैं क्या कमेटी है और क्या काम करेगी ये कमेटी हमारे कंट्री में देखो अगर हमें पता है हमारे कम कंट्री में पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हमारी कंट्री वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है हमारी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन जो है ज्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें सो है और मीडियम एज 28 है और धीरे धीरे एजेड लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रहा है तो इस हिसाब से या फिर हम कहें इन सब चेंजेस के सोशल इम्प्लीकेशन हैं इकोनॉमिकेशन है और पॉलिटिकल है जो हम इस आर्टिकल में डिस्कस भी करेंगे तो ये जो सारे चैलेंजेस को कंसिडर करेगी ये हाई पावर्ड कमिटी राइट राइटर कहते हैं ये बात तो ठीक है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन इस बार सेंशन तो कंडक्ट किया ही नहीं गया अब आपको मैं बता दूं 1881 में जो है ऐसा हुआ था 1881 के बाद पहली बार ऐसा हुआ सेंसस हमारी कंट्री में कंडक्ट ही नहीं हुआ जो हर 10 साल में एक बार कंडक्ट होता है पहले तो कोविड की वजह से हम कह सकते हैं ठीक है पहले का रीजन जो था दैट वाज ड्यू टू कोविड राइट बट अभी का क्या है अगर हम अभी की बात करें इस बार तो गवर्नमेंट ने खुद से ही जो है वो कंडक्ट ही नहीं करवाया फिर गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट करवाना ही नहीं चाहती इसके बाद राइटर कहते हैं देखो जैसे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट जो आई थी ना 2020 में और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है 2019 का ठीक है यहां से देखो आप यहाँ पे आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा 19 का है ठीक है और उसके बाद ये जो आ, इन, मतलब बेसिकली ये दूसरा जो डेटा हमने बात की गई ठीक है जिसमें आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम था इन so डेटा के तहत ये पता चलता है कि हमारे कंट्री में फर्टिलिटी रेट जो है वो टू पॉइंट के आसपास है ठीक है अब इससे ये पता चल रहा है टू पॉइंट के आसपास है वॉट डज दैट एग्जैक्टली मीन मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ टोटल फर्टिलिटी रेट अगर टू पॉइंट वन है पॉपुलेशन के साइज का तो वो अगले टाइम पे भी मतलब फॉर एग्जाम्पल टू था टू से टू पॉइंट वन बढ़ा तो देखो इसका मतलब ये है ना कि टू पॉइंट वन में दो तो तो कहीं कहीं, तक ही पहुंच रहा है ठीक है तो इससे क्या हो रहा है पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो रही है ना ही तो बढ़ रही है ना ही तो घट रही है ठीक है अब हम देख लेते हैं क्या होता है डेमोग्राफिक चेंज देखो अगर हम डेमोग्राफिक चेंज की डेफिनेशन की बात करें डेमोग्राफी इज ह्यूमन पॉपुलेशन और उसको स्टडी करना स्टडी जो होता है ना ह्यूमन पॉपुलेशन को इज अबाउट हाउ ह्यूमन पॉपुलेशन टाइम इसमें काफी सारे होते हैं पॉपुलेशन साइज कॉम्पोजिशन एथनिसिटी जेंडर एंड डिस्ट्रीब्यूशन वॉट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेमोग्राफी नेचुरल फैक्टर की अगर हम बात करें बर्थ रेट आ जाता है डेथ रेट आ जाता है माइग्रेशन आ जाता है ये नेचुरल फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किस डेमोग्राफिक ऑफ नेशन को सेकेंड इज पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी अफेक्ट करता है डेमोग्राफी को इन अ नंबर ऑफ वेज मोस्ट कॉमन एरियाज जो है फैमिली पॉलिसी ठीक है इमिग्रेशन पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी एटसेट्रा राइट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ जाता है इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर या फिर हम कहें इनवायरमेंटल फैक्टर एंड डेमोग्राफी दे हैव अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दैट मीनस दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें राइजिंग टेम्परेचर पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं सी लेवल राइज फूड सिक्योरिटी वाटर अवेलेबिलिटी डिजीज प्रिवेलेंस जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है एक्सपेक्टेंसी जो है वो ऑल्टर करती है लाइफ को और देन पोटेंशियली चेंज करती है बर्थ रेट को नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें नेचुरल डिजास्टर्स में इवेंट्स आते हैं जैसे फूड ड्रॉट अर्थक्वेक वाइल्ड फार्स ये सिग्निफिकेंटली डिस्प्लेस करते हैं पॉपुलेशन के माइग्रेशन को और वो अफेक्ट करते हैं बर्थ एंड डेथ डेथरेट को

चेंजिंग हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन एंड एज स्ट्रक्चर वो शिफ्ट करता है कंज्यूमर के स्पेटनिंग पैटर्न को और बिजनेस को जिससे इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होती है और जो केटर करती है स्पेसिफिक डेमोग्राफिक की तरफ देन वी हैव सोशल इंप्लीकेशन सोशल इंप्लीकेशन की बात करें उसमें आता है आपका फैमिली स्ट्रक्चर फैमिली स्ट्रक्चर में जैसे डेमोग्राफिक जो है बट चेंज चेंज होती हुई डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस करती है फैमिली के साइज को पोटेंशियल को कि हमें जो है न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने की जरूरत है

Uh, या फिर हम कहें वो कहीं ना कहीं इनक्वालिटीज को परसीव करते हैं जो फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग पैटर्न जो चेंजिंग डेमोग्राफी है वो शिफ्ट करती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को और वोटिंग पैटर्न को पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी के प्रायोरिटीज को नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंट रेफर किया जाता है ग्रोथ इन एन इकोनमी जो कि रिजल्ट है किसका रिजल्ट ऑफ चेंज इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन राइट मतलब कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है और वो किसकी वजह से हो रही है कंट्री के पॉपुलेशन में भी एज स्ट्रक्चर की uh, वजह से टिपिकली ये इसलिए होता है या तो हमें रेट्स एंड मोरालिटी रेट डिक्लाइन होते हुए नजर आते हैं जिसकी वजह से लार्जर पोर्शन जो है पॉपुलेशन का uh, वो क्या होता है वो वर्किंग एज में आ जाता है एज कंपेयर टू द डिपेंडेंट ग्रुप राइट वॉट आर द कंडीशन फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड देखो फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन होना राइट इंप्रूव हेल्थ केयर एंड मोर्टालिटी रेट्स

नेक्स्ट लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर जो रैंक है ना इंडिया का इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 कंट्रीज उसमें 132 है आउट ऑफ 191 जो कि सीरियसली अलार्मिंग है नेक्स्ट वी हैव इज जेंडर इम्बैलेंस इंडिया में फीमेल कम है एज कंपेयर टू द मेल दैट इज मेल्स दैट मींस 100 फीमेल्स पे कम uh, कम उसके पर फीमेल्स पे मेल्स दो हजार तेईस का डेट है और रेज ये है कि अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी तो इश्यूज लाइक चाइल्ड मैरिज और पोटेंशियल फ्यूचर लेबर शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगा देन हेल्थ केयर एंड की अगर हम बात करें रूरल एरियाज एंड कम्युनिटी वो एडिकुएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लैक करती है लैक करती है तो जो ये इंक्रीजिंग डेमोग्राफिक चेंज है ना जो चेंज की डिस्पैरिटीज है हेल्थ आउटकम्स में और लाइफ एक्सपेक्टेंसीज पे वो देखने को मिलती है देन वी हैव एजुकेशनल डिस्पैरिटीज लिटरेसी रेट बढ़ रहा है डिस्पैरिटीज जो है रीजन में और सोशल ग्रुप में persist कर रही है स्किल डेवलपमेंट जो है उस आ, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है टू मैच लेबर मार्केट डिमांड नेक्स्ट वी हैव लाइक लेट्स टॉक अबाउट द वे अहेड

So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.